देखो हम लोग एक और क्वेश्चन देखें। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है fx equal to sin x bracket में 1 plus cos x, है ना? sin x bracket में 1 plus cos x, और यहां पर देखो ओपन इंटरवल दिया गया है 0 to 2 पाई, है ना? इस इंटरवल में हमें बताना है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होगा, है ना? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होगा ये हमको बताना है इस इंटरवल में, ठीक है? इस इंटरवल में हमको ये बताना है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देखो क्या होगा। देखो ध्यान दो, फिर से हम सबसे पहला काम क्या करेंगे बोलो, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई रूल लगा देंगे, देखो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन एक्स प्लस दूसरा फंक्शन और इनटू पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि कॉस एक्स, ठीक? देखो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखो क्या हुआ यहां से, ये एफ डैश एक्स क्या हुआ देखो, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ऐसा यहां पर हो गया, ठीक है? अब देखो ध्यान दो, जैसे अभी हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव कैसे देखेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखो हमने किया डिफरेंशिएशन, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है? थोड़ा देखो सिंप्लीफाई करें। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करें, एक्चुअली देखो यहां पर ये साइन में है ये कॉस में, कॉस में काम करें, देखो इसको भी कॉस में चेंज किया जाए, प्लस का कॉस एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये हो गया माइनस वन प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये हो गया प्लस का टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस एक्स माइनस वन। ऐसे देखो यहां पर ये आ गया, ठीक है? एफ डैश एक्स देखो इस तरीके से यहां पर ये आ गया, ठीक है? देखो इसके चाहेंगे तो हम फैक्टर भी कर सकते हैं, कैसे? देखो टू कॉस प्लस वन और इंटू कॉस माइनस वन, है ना? इसके देखो यहां पर माइनस कर लो और यहां पर प्लस कर लो, देखो इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का टू कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स माइनस का वन, देखो ये इसके फैक्टर्स हो गए, है ना? टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का टू कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स और माइनस का वन, देखो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम चाहें तो देखो यहां पर ये देख सकते हैं आखिर कहां कहां पर डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, क्योंकि देखो जीरो से टू पाई के बीच में हमें इंटरवल दिया गया, है ना? जीरो से टू पाई तक देखो इंटरवल दिया गया, तो हम ये देख सकते हैं आखिर डिफरेंशिएशन कब कब जीरो होगा। अगर हम हायर ऑर्डर टेस्ट लगाएं तो उसमें हमें डिफरेंशिएशन को जीरो करने की जरूरत होगी, अदरवाइज देखो यहां पर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे तो डिफरेंशिएशन को जीरो बिना देखे भी काम चल जाएगा। देखो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को देखें तो क्या होगा, देखो कॉस एक्स प्लस वन ये वैल्यू हमेशा प्लस होगी, हालांकि जीरो भी हो सकती है, पाई रखेंगे क्योंकि कॉस पाई पर जीरो हो जाएगा फंक्शन, सॉरी कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो पाई पर ये जीरो हो सकता है, पाई के अलावा ये हर जगह पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि देखो कॉस की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होती है, तो जब कॉस की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होती है इसका मतलब देखो ये हर जगह पॉजिटिव ही होगा, है ना? बोलो भाई। देखो हम चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं और हायर ऑर्डर से भी कर सकते हैं। देखो जैसे अगर हम डिफरेंशिएशन को जीरो कर दें तो क्या हुआ, देखो टू कॉस एक्स माइनस वन और ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। देखो यहां से कॉस एक्स की वैल्यू वन बाई टू आ गई और कॉस एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई, ठीक? अब देखो कॉस की वैल्यू वन बाई टू कब होती है, एक एंगल मिलेगा 60 डिग्री,
यानी कि पाई बाई थ्री, और देखो एक एंगल मिलेगा क्या बोलो 300 डिग्री, यानी कि 5 पाई बाई 3, ध्यान दो ठीक। ओके देखो 60 पर भी cos 1/2 होगा और 300 डिग्री पर भी cos 1/2 होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहां से x क्या मिलेगा पाई। देखो तीन पॉइंट्स हमें यहां से मिल गए ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो फिर हमें ग्राफ पर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, है ना। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं तो फिर ग्राफ पर हमें जाना पड़ेगा ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा दें। देखो जैसे ये अपना एफ डैश एक्स है ठीक, इसी को दोबारा कर देते हैं डिफरेंशिएट। देखो एफ डबल डैश एक्स, तो क्या हुआ देखो 4 cos x, और cos x का क्या हो गया बोलो माइनस साइन x, और cos का बोलो क्या हो गया माइनस साइन x हो गया ठीक है। इसी को देखो कर दिया 2 कांस्टेंट है, cos स्क्वायर का क्या हो गया बोलो 2 cos x, और cos का फिर से करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा। देखो यहां से माइनस साइन x कॉमन ले लें तो बचेगा क्या बोलो 4 cos x प्लस 1। अब देखो जैसे इसमें अगर हम x को पाई बाई 3 रख दें, 60 डिग्री रख दें, मान लो डबल डेरिवेटिव में, है ना। देखो अगर हम डबल डेरिवेटिव में 60 डिग्री रख दें इसको, तो देखो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहां पर माइनस साइन 60, तो माइनस का रूट 3/2, और cos 60 यानी 1/2, तो 2+1। देखो ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, इसका मतलब इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा हो गया, है ना। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, देखो इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा हो गया ठीक। अब देखो दूसरा पॉइंट ले ले 5π/3, 5π/3 पुट कर दे, तो अगर हम 5π/3 पुट कर दें, देखो डबल डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 5π/3 4 cos 5π/3 + 1, है ना। x को रख दिया देखो हमने 5π/3 दोनों जगह पर ठीक। अब देखो जैसे sin 5π/3 है, मतलब sin 300 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो sin 360 - 60, तो माइनस sin 60 यानी कि -√3/2। देखो ये हो गया, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये माइनस और माइनस रूट 3/2 ऐसे देखो ठीक। अब देखो 4 cos 5π/3, cos 5π/3 का मतलब हो गया क्या cos 300 डिग्री, तो मतलब देखो क्या हुआ cos 360 - 60, तो cos 60 यानी क्या हुआ बोलो 1/2, तो देखो 1/2 रखेंगे तो 2+1। देखो ये कुल मिला के पॉजिटिव हो गया, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया बोलो लोकल मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा, है ना, क्योंकि इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, पर इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो लोकल। देखो तीन पॉइंट्स मिले थे, एक पाई बाई थ्री था, एक 5π/3 था, एक पाई था, क्योंकि देखो हमें 0 और 2π के बीच में रहना था, इसीलिए 0 और 360 के बीच में रहना था, इसलिए देखो हमको सिर्फ तीन पॉइंट्स यहां से मिले। अब पाई पर चेक करें, देखो क्या होगा अगर हम इसमें x को पाई रख देंगे, अगर हम इसमें x को पाई रख देंगे तो देखो डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मतलब अभी हम किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचे, क्योंकि जब डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो इसका मतलब कुछ नहीं कह सकते, आगे बढ़ना पड़ेगा ठीक। अब देखो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होगा, देखो पहला फंक्शन माइनस साइन, दूसरे का डिफरेंशिएशन तो माइनस का साइन ठीक, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इनटू पहले का डिफरेंशिएशन तो माइनस का कॉस, ऐसा हुआ। अब अगर हम एक्स को पाई रखें, देखो क्या होगा ट्रिपल डेरिवेटिव, देखो पाई रखो साइन पाई 0 हो जाता है, cos पाई माइनस 1 तो माइनस 4+1, और माइनस 1 का मतलब प्लस 1, देखो कुल मिला के निगेटिव। ट्रिपल डेरिवेटिव अगर निगेटिव आए या पॉजिटिव आए
तो इसका मतलब होता है ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देखो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। क्योंकि देखो अगर किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव जीरो हो और ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो ना हो, तो मैंने बताया था थ्योरी में कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। हाँ, ये अलग बात है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उन जगहों पर भी मिलता है जहां डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन जीरो है और डबल डेरिवेटिव जीरो है और ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो नहीं है, तब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये बात सही है, है ना। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में देखो उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव जीरो था और ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो नहीं आया, तो हम कहेंगे पाई इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ना तो उस पर लोकल मैक्सिमा होगा और ना उस पर लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, ध्यान दो, फिर से बता रहा हूं मैं कि जैसे इस पाई वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएशन जीरो था, डबल डिफरेंशिएशन जीरो था और ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन जीरो था, तो मतलब ये कंफर्म है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे पॉइंट पर भी मिल सकता है जहां पर डिफरेंशिएशन जीरो ना हो, डबल डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है, मैंने बताया था आपको। लेकिन अगर डेरिवेटिव जीरो है और आपने डबल डेरिवेटिव निकाला वो भी जीरो आया और ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, है ना, ये बात ध्यान दीजिए। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां से हमको मिल गया पाई के इक्वल। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से।